नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। 2024 में अगला लोकसभा चुनाव होना है और अगर इस बार भी बीजेपी जीतती है तो जीत की हैट्रिक हो जाएगी, लेकिन विपक्ष इस हैट्रिक को रोकने की पूरी कोशिश में लगा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत के बाद विपक्ष की भी ताकत थोड़ी सी बढ़ गई है, क्योंकि इस चुनाव के बाद विपक्ष को पीएम मोदी के खिलाफ चेहरा मिल गया है। हालांकि इस पर राय अभी एकमत नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी इस वक्त प्रधानमंत्री के खिलाफ सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं। बता दें कि ममता बनर्जी 26 जुलाई की शाम को दिल्ली पहुंचने वाली हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार को रोकने के लिए ममता खाका तैयार कर सकती हैं, क्योंकि ममता ही वो एक महिला है जिसने बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों को पश्चिम बंगाल में पटखनी दी है। खुद पीएम मोदी भी ममता की आंधी के आगे टिक नहीं पाए और बंगाल में जीत का सपना सपना ही रह गया, जिसके बाद से ही ममता बनर्जी को नेशनल लेवल का लीडर कहा जाने लगा है और उनका नाम दिल्ली से जुड़ने लगा। ममता बनर्जी ने पिछले दिनों अपने भाषण में कहा था कि विपक्ष को 2024 के चुनावों के लिए जल्दी योजना बनानी शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमें अभी से 2024 की लड़ाई की योजना बनानी चाहिए। आप जितना ज़्यादा समय बर्बाद करेंगे, स्थिति उतनी ही खराब होगी। ममता बनर्जी के लिए जीत की रणनीति बनाने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पिछले दो हफ्तों में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से 3 बार मुलाकात की। उसके बाद गांधी परिवार के साथ मुलाकात हुई। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि दोनों घटनाएं जुड़ी हुई हैं और 2024 से पहले एक बड़ी रणनीति की ओर इशारा करती है। बीजेपी को टक्कर देने के लिए टीएमसी ने दूसरे राज्यों में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी है। 2024 तक विपक्षी रोडमैप की रूपरेखा तैयार करने के लिए ममता 28 जुलाई को समान विचारधारा वाले दलों से मिल सकती हैं। साल 2016 में जब नोटबंदी ने देश को हिलाकर रख दिया था, तो ममता बनर्जी उस वक्त इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने वाली पहली नेता थी। उसके बाद ही पूरे विपक्ष ने मोदी सरकार पर हमला किया था। असफलता से सबक लेते हुए इस बार न्यूनतम साझा कार्यक्रम जल्दी तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे कि 2024 का चुनाव नज़दीक आते ही विपक्ष बीजेपी पर एक साथ मिलकर हमला कर सके। बनर्जी के 28 जुलाई को पीएम मोदी से भी मिलने की उम्मीद है। इस तरह बनर्जी इस बार प्रमुख दावेदार के रूप में उभर रही हैं, जो न केवल विपक्षी दलों से मिलेंगी बल्कि 2024 की रणनीति भी तैयार करेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।